तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया टेलीकॉम, आपका चैनल और मैं हूं देवेंद्र अग्रवाल। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो एक अपडेट वीडियो है और हालांकि ये बहुत पुराना अपडेट है और मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपके पास में किसी प्रकार का मीडियाटेक का कोई सेट आता है, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक मेरे पास में मीडियाटेक का एक सेट है और ये स्पाइस है मॉडल आप देख रहे होंगे। जनरली क्या होता है दोस्तों, जब हम इसको फ्लैश करते हैं तो उसका जो प्री लोडर मोड है, जो प्री लोडर जो इसका ड्राइवर है, जो वीकॉम ड्राइवर है, वो कनेक्ट नहीं होता है। जो सॉफ्टवेयर जानते हैं वो जानते हैं कि जब हम उसको कनेक्ट करते हैं तो उसको फ्लैश मोड में कनेक्ट करते हैं और इसको सेट को बंद करके उसको कनेक्ट किया जाता है ताकि ये फ्लैशिंग ले, क्योंकि इसमें MTK का चिप लगा हुआ है। पर क्योंकि ये पोर्ट नहीं बनाता तो इस वजह से ये SP फ्लैश टूल से या किसी भी टूल से फ्लैश नहीं होता है, क्योंकि इन फोनों के बूट लोडर लॉक होते हैं। सो इनको कैसे अनलॉक किया जाए, सो आज वीडियो में आप देखेंगे। इस वीडियो में मैंने सिर्फ दिखाया है बूट लोडर कैसे अनलॉक करें और जो इसकी फ्लैशिंग है वो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को आपको नॉलेज होगी। नहीं है तो प्रॉपर नॉलेज लीजिए, मेरे यहाँ आप आ सकते हैं सॉफ्टवेयर का क्लास करने। हर महीने का 13 तारीख को बैच लगता है, सिर्फ 10 दिन का क्लास है, डेली 6-7 घंटे की क्लासेस है, रनिंग है, कोई भी कॉपी किताब पेन नहीं लाना है। टोटली प्रैक्टिकली हर मोबाइल को फ्लैश करके बकायदा फ्लैश फाइल के साथ एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ उसमें बताई जाएगी, कि किस तरह का फोन में किस तरह की हमारी फाइल आ सकती है, फाइलों का किस तरह से स्ट्रेंथन हो सकते हैं, फाइलों में कौन कौन सी फाइल हो सकती है, किन फाइलों से डैड हो सकता है, किन फाइलों से नहीं हो सकता है, किन फाइलों में किन मोबाइल में कौन कौन से मोड होते हैं, तो ये किन मोबाइल में कौन कौन से मोड हो सकते हैं, तो ये जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं, कंट्री अनलॉक, आई क्लाउड, या फिर हम बात करें बहुत सारी चीज़ें, नेटवर्क रिपेयर अगर हम बात करें, या हम बात करें बहुत सारी चीज़ें जो हम सॉफ्टवेयर में सीख सकते हैं कि सर हम फ्लैश करते हैं SP टूल में एरर्स आते हैं, हमारी कॉलकॉम में एरर है, IMEI null हो जाता है या IMEI invalid हो जाता है, इनका क्या मतलब होता है, बेस बैंड कैसे लेकर आए, QCN क्या होता है, सो ये जितनी EFX फाइल क्या होती है, सर्ट फाइल क्या होती है, सैमसंग को रूट कैसे करें, उसके IMEI कैसे रिपेयर करें, या फिर तमाम जो चीज़ें होती हैं, सोनी को कैसे फ्लैश किया जाए, LG को कैसे फ्लैश किया जाए, ऑसुस की कैसे फ्लैशिंग होती है, फास्टबूट फ्लैशिंग क्या होती है, ADB फ्लैशिंग क्या होती है, सो ये सब तरह की फ्लैशिंग हर फाइल के साथ में आपको पता होगी जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इसमें हर तरह की फ्लैशिंग फाइल के साथ सिखाई जाएगी प्रैक्टिकल आपके सामने। और दोस्तों होता क्या है, जब हम ये चीज़ें ऑनलाइन ना सीखे ऑफलाइन सीखते हैं तो फ़ायदा हमें ये मिलता है कि जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में नहीं चलते हैं वो हमारे साथी स्टूडेंट के दिमाग में चलते हैं, जिससे बहुत सारी नॉलेज आपको उनसे मिल जाती है। क्योंकि क्या होता है, घर बैठ के सीखना तो आसान होता है पर उसमें सीखने को बहुत कम मिलता है। आई होप कि आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं कि कैसे मीडियाटेक के सेट को अनलॉक किया जाए, इसके बूट लोडर को, और बहुत सरल तरीके से बताएं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप पहले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों हम आ चुके हैं लैपटॉप पर, जैसे कि मैंने बताया था कि किस तरीके से हम इस मोबाइल का बूट लोड अनलॉक करेंगे, और बूट लोड अनलॉक करेंगे उसके साथ ही हम इस मोबाइल को फ्लैश करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक फ्लैश फाइल को डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये मेरी फ्लैश फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर मेरे पास में ये मेरी फ्लैश फाइल डाउनलोड हो चुकी है, और ये फ्लैश फाइल को हम कर देते हैं स्ट्रैक। तो हम इसको फ्लैश करेंगे। दोस्तों जनरली क्या होता है कि बहुत से बच्चे जो सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं, दुकान वाले, वो जनरली MTK के इन सेटों को फ्लैश नहीं कर पाते। ये मैं एक अपडेट दे रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया जैसे कि मैंने आपसे बात की थी कि इस तरह से मैं आता नहीं हूँ, क्योंकि जनरली मुझे पसंद है अपने स्टूडेंट से वीडियो बनवाना, क्योंकि जो मैं उनको सिखाता हूँ मैं चाहता हूँ कि अगर वही चीज़ वो शो करें तो उनसे आप लोगों को भी बूस्ट मिलता है कि हाँ सारे बच्चे कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास दूर दूर और अलग अलग जगह जगह से बच्चे आते हैं। तो आज ये एक मन किया कि चलिए एक मेरे पास मोबाइल रखा था, और एक ये पुराना अपडेट है पर ये आते हैं मोबाइल और कई लोगों को पता नहीं रहता है कि किस तरह से करें, तो मैंने सोचा कि इसको वीडियो बना लिया जाए। अगर आपको ये पता है ट्रिक तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप सॉफ्टवेयर का नॉलेज रखना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि MTK में अगर बूट लोडर लॉक हो तो उसको कैसे अनलॉक करना है, सो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ बहुत ईजीएस्ट तरीके से, मतलब ईजी वे से। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल भी टफ वे नहीं बताऊँगा, और आशा करता हूँ कि जैसे मेरी क्लास में बच्चे बहुत आसानी से सीखते हैं वैसे ही आप यहाँ पर भी आसानी से सीखेंगे। आप देख रहे होंगे ये मेरी फ्लैश फाइल है यहाँ पर, तो चलिए इसको आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरी फ्लैश फाइल है और मैं इसको ओपन करता हूँ। सो यहाँ पर
ये मेरा फर्मवेयर है और ये मुझे MTK का स्कैटर मिल गया है। सो चलिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अगर आपको फ्लैशिंग का नॉलेज सही तरीके से लेना है तो यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें बता सकता हूँ, जिसमें मैं आपको जब आप क्लास आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि स्कैटर फाइल कितनी, स्कैटर फाइल क्या होती है, प्रीलोडर फाइल क्या होती है, हमारी ये जो सारी फाइल हैं, यूज़र डाटा की फाइल बात करें, लोगों की बात करें, बूट की बात करें, OEM, व्हाट इज़ OEM फाइल क्या है, सो ये इस फाइलों का क्या मतलब होता है, मैं इन फाइलों को बहुत डिटेलिंग से आपको बता सकता हूँ। और डाटा बेस के अंदर ये जो मुझे फाइल मिलती है, इस फाइल से मैं क्या काम कर सकता हूँ। सो चलिए हम इसको बात करेंगे। अगर ड्राइवर की बात करें तो दोस्तों देख रहे हैं आपको यहाँ पर ड्राइवर भी मिल रहे हैं। सो ये ड्राइवर अगर ये काम नहीं करें तो कैसे काम करते हैं, क्योंकि मैं विंडो 10 यूज़ कर रहा हूँ, आप विंडो 7 यूज़ कर सकते हैं, 8 यूज़ कर सकते हैं, दोनों में मैन्युअली और ऑटो कैसे ड्राइवर चलाएं, तो ये सारी चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। और क्लास में जब आप आएंगे तो ये सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊँगा, क्योंकि आप ही करेंगे उसको, और जब आप खुद करेंगे तो आपको अनुभव होगा, और उसमें जितने भी एरर्स आते हैं वो एरर्स भी आपको बताऊँगा। अच्छा देखिए, फ्लैश टूल में हमको यहाँ पे V3 वर्जन मिला हुआ है, तो चलिए फ्लैश टूल हमने ओपन कर लिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए इस फ़ोन का बूट लोडर कैसे अनलॉक करें। सो मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर ये लाल बटन आपको दिख रहा होगा, हालांकि यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है, पर इस चैनल के जिस भी वीडियो में आप देख रहे होंगे वहाँ नीचे लाल बटन होगा, उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिले। उसके साथ अगर आपको पढ़ने आना है, अगर आपको लगता है कि मैं सीखना चाहता हूँ, अपडेट होना चाहता हूँ इस फील्ड में, तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं पढ़ने, नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हालाँकि हमारी हर महीने की सीट पहले से रिजर्व होती है, बहुत कम बच्चे पढ़ाते हैं एक ही महीने में, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने भी बच्चे पढ़ाएं उनको हम ट्रेन करके भेजें, और क्योंकि उन्हीं का आउटपुट हमारा अचीवमेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए इस फ़ोन को हमें अगर बूट लोडर अनलॉक करना है, मैं आपको बताऊँ सो करना क्या होगा। सबसे पहले इस फ़ोन को फास्ट बूट मोड पर डालना होगा। तो दोस्तों मैं इस फ़ोन को फास्ट बूट मोड पर डालता हूँ, अगर जिनको नहीं पता फास्ट बूट मोड पर कैसे डालते हैं तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अलग अलग तरीके हैं फास्ट बूट मोड पर डालने के, और फास्ट बूट मोड एक एंड्रॉयड का मोड होता है, और उसमें एक और मोड आता है ADB मोड आता है। फास्ट बूट मोड में जनरली हम मोबाइल को अलग तरीके से बूट करते हैं, इसलिए उसको फास्ट बूट कहते हैं, और जिसमें मोबाइल हम यूज़ नहीं कर सकते, पर उसको फास्ट बूट एक एंड्रॉयड का मोड होता है, और जनरली आजकल जितने भी मोबाइल आते हैं उसमें फास्ट बूट लॉक होता है। सो ये मेरा फ़ोन है, मैं मॉडल आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको मॉडल दिख रहा होगा 498H स्पाइस का एक फ़ोन है। सो मैं इसको फास्ट बूट मोड पे डालूंगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, उसके लिए मैं वॉल्यूम अप एंड पावर की को एक साथ दबाऊंगा, और उसके बाद 2 सेकंड में छोड़ दूंगा। सो देखिए मैं दोनों को एक साथ दबाऊँ, और उसके बाद मैं इसको छोड़ दूंगा, तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर एक मोड आ चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, आई होप कि सो आप जैसे कि देख रहे होंगे यहाँ पे एक मोड आ चुका है, और यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि आप इसको पढ़ रहे होंगे अच्छी तरीके से, कि अगर वॉल्यूम अप से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम डाउन से इसको ओके कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, हमको फास्ट बूट मोड में लेना है, तो हम इसको देखिए वॉल्यूम अप से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और वॉल्यूम डाउन से, तो फास्ट बूट मोड पर मैं वॉल्यूम डाउन करूँगा। अब देखिए अब मेरा फ़ोन फास्ट बूट मोड पर है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। सो ये फास्ट बूट मोड पे है, और मुझे क्या करना है दोस्तों, मुझे इसको अटैच करना है अपनी केबल के साथ। सो मैं केबल लगा देता हूँ यहाँ पर, और तो देखिए मैंने केबल लगा दी है, मेरा कंप्यूटर भी हरकत करेगा, जैसे कि आपने देखा मेरा कंप्यूटर हरकत कर रहा है, और ये मैंने केबल लगा दी है फास्ट बूट मोड पे। अब मुझे सबसे पहले अपने ड्राइवर चेक करने हैं, तो सबसे बड़ा मसला ड्राइवरों का होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, तो आप फास्ट बूट मोड पे जो ड्राइवर अपलोड करेंगे वो ADB के ड्राइवर होंगे, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी जो मेरे जो ड्राइवर शो हो रहा है वो मेरे ड्राइवर ऑलरेडी हैं यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे एंड्रॉयड के ड्राइवर, और ये किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं ये पूरा मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। अच्छा या आसान ये होता है कि हम क्लास में सीखें तो ज़्यादा बेस्ट होता है, और हालाँकि मैं नीचे ड्राइवर की आपको लिंक दे दूँगा, आप उसको वन टाइम चला दोगे तो ये आपका हो जाएगा, पर हो सकता है विंडो 10 में मैनुअली करना पड़े, तो ये कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर अपडेट करके बता दूँगा। सो चलिए अब यहाँ पर अब हमें करना क्या है, हमने अगर क्योंकि जब तक हमारे फास्ट बूट के ड्राइवर कनेक्टेड नहीं होंगे तो हम उसमें जो कमांड देंगे वो कमांड हमारी काम नहीं करेगी। अब आपको करना क्या है दोस्तों, अब आपको अपने कंप्यूटर के स्टार्ट मेन्यू पे जाना है,
अब आपको अपने कंप्यूटर के स्टार्ट मेन्यू पर जाना है और आपको वहाँ पर जाके कमांड लिखना है। सो मैंने यहाँ पर लिखूँगा कमांड। देखिए कमांड लिखने पे ऊपर एक कमांड प्रॉम्प्ट आता है, उसको आपको क्लिक कर देना है और एक काली कलर की विंडो, ये एक कमांड विंडो है। तो ये हमें यहाँ पे कमांड टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। सो बहुत सारे डिफ़िकल्ट तरीके हैं इसको करने के, पर मैं आपको कोशिश करूँगा कि एक आसान तरीका दूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि बच्चे लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं अलग अलग टूल डाउनलोड करके, और बहुत सारे टूलों से फिर उनको समझ में नहीं आता है कि कौन सा मोबाइल किस तरह से टूल में करे। सो ये नॉर्मल कमांड है। अभी हमें करना है क्या दोस्तों, यहाँ पे हमें ना सबसे पहले फास्टबूट डिवाइसेस लिखना है। देखिए आपको लिखना है फास्टबूट। आप इसको अब मेरी इस प्रोसेस को आपको रोक रोक के पॉज कर करके आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं। और नीचे मैंने एक लिंक भी डाली हुई है जहाँ पर मैंने पूरी प्रोसेस को बाकायदा चित्रों के साथ बताया, वहाँ पर जाके आप उसको वो भी देख सकते हैं। तो फास्टबूट स्पेस डिवाइसेस लिखना है, एंटर करना है। सो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मेरा फ़ोन कनेक्टेड है। अगर आपको यहाँ पर नंबर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि फास्टबूट मोड कनेक्टेड नहीं है। सो इसलिए ये ड्राइवर का इशू है। आप समझिए किसी भी सॉफ्टवेयर को करने के लिए आपको तीन चीज़ों का ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला कि आप मोबाइल किस मोबाइल को कनेक्ट कर रहे हैं, कौन से मोड में कनेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा कि आप कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं, और तीसरा कि आप उसको कनेक्ट करने के लिए कौन से ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको इन तीनों चीज़ों का ध्यान हो तो मुझे लगता है कि कोई भी मोबाइल ऐसा नहीं है जिसको आप लैस या किसी भी प्रकार के आप उसमें समस्या दूर कर पाएँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं। यहाँ पे आपको एक कमांड लिखना है और वो लिखना है फास्टबूट स्पेस OEM अनलॉक। और आप जैसे ही इसको लिखेंगे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, और आप एंटर करेंगे तो आपको थ्री डॉट दिखाई देंगे और आपके सामने एक इस तरह की स्क्रीन आएगी जैसे कि आप देख रहे हैं। और इस स्क्रीन में ये लिखा हुआ है कि यस दबाना है, यस दबाएंगे तो आपका अनलॉक हो जाएगा बूट लोडर, अगर नो दबाएंगे तो बूट लोडर अनलॉक नहीं होगा। तो मैं देखिए मैं यस दबा देता हूँ और मैं वॉल्यूम अप दबा देता हूं, तो यहां पे लिखा हुआ है कि अनलॉक पास, तो बूट लोडर हमारा अनलॉक हो चुका है। और यहां पे आप जैसे कि देख रहे होंगे यहां पे भी आपको दिख रहा होगा बूट लोडर स्टार्ट अनलॉक फ्लो और ओके। सो इसका मतलब ये है कि ये बूट लोडर अनलॉक हो चुका है। सो अब ये यहां पे आप जैसे कि देख रहे होंगे ऑलरेडी, मैं आपको यहां पे भी दिखा देता हूं कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये वापस फास्टबूट मोड पे आ चुका है। सो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको नॉर्मली मैं रिबूट करता हूँ या मैं इसको बैटरी निकाल देता हूँ दोस्तों, क्योंकि अब ये मेरा काम हो चुका है। और इसको मैं देखता हूँ कि डायरेक्ट ये बूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि जनरली क्या होता है जो जिनके बूट लोडर लॉक होते हैं वो मीडियाटेक का प्री लोडर जो हमारे ड्राइवर्स हैं वो नहीं बनाते हैं। सो अब हम वापस यहाँ पे पोर्ट में देखेंगे कि हमारा ड्राइवर्स बना रहा है कि नहीं बना रहा है। सो आप पोर्ट में नज़र रखिएगा और मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ये एक मीडियाटेक का डिवाइसेस है, और मीडियाटेक के डिवाइसेस को बूट करने के तीन तरीके होते हैं, जिसमें से मैं पहला तरीका आज आप ही आपको बता देता हूँ। बाकी के दो तरीके अच्छे से सीखे, मुझे लगता है सही तरीके से सीखेंगे तो आपको सब तरीके से आ जाएंगे। अब मुझे अगर इस तरीके को सीखना है सो क्या करना है दोस्तों, जो भी नॉर्मल 3G सेट है आप उनको बैटरी निकालिए, अगर बैटरी नहीं निकलती है तो मत निकालिए, नॉर्मली पावर ऑफ कीजिए और सिर्फ केबल लगा दीजिएगा, कुछ मत दबाइएगा, तो ये ऑलरेडी बूट कर लेगा आपका सेट। मैं इसको पोर्ट बनाऊंगा इसके साथ, तो सेम वही मैंने लगाया और मैं पोर्ट चेक कर रहा हूँ। तो देख रहे हैं आप, देखिए मीडियाटेक का पोर्ट बन चुका है, और यही हम चाह रहे थे कि MTK का पोर्ट बन जाए, और हमने इसका बूट लोडर सही तरीके से अनलॉक कर दिया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, नेक्स्ट टाइम इसकी मैं फ्लैशिंग भी आपको बताऊंगा, और क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा कंटिन्यू करूँगा तो ये वीडियो केवल मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता था कि किस तरीके से हम इस फ़ोन का बूट लोडर जो फास्ट बूट होता है हम इसको अनलॉक करें, MTK का फास्ट बूट अनलॉक करने का ये मेरा वीडियो। और आई होप कि आपको समझ में आया हो, और अगर पसंद आया सो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे दोस्तों मुझे अच्छा लगेगा। अगर आपको जो कोई भी चीज़ अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट करके पूछिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना आप ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जितने ज़्यादा लोग आप लोग सब्सक्राइब करेंगे ये ज़्यादा लोग तक पहुँचेगा और ये चीज़ें शेयर होंगी। और आशा करता हूँ कि जो भी लोग सही काम नहीं कर पा रहे वो सही काम कर पाएंगे। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको इसका कमांड जानना है और आपने कॉपी नहीं कर पाया है तो मैं वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप इसको पूरा चित्रों के हिसाब से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे ना कि फेक।
वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्यून है, जो भी लोग आउटपुट है, जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। तो ऐसा भी होता है सर, फेसबुक में कोई आता था जो सर्किट बनाना था, अच्छा मोबाइल बनाते थे जो टेक्नीशियन लोग, तो उनको हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे। तो मैंने यहाँ से गए हुए जो दो तीन स्टूडेंट थे उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है, नॉलेज लिया मैंने। हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओगे सब कुछ बना लोगे। अच्छा रिव्यू देते थे तो लगता था एक हिसाब से, हाँ वीडियो देख के नॉलेज ले। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी नेट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया। और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में लिखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर रहे मतलब हम बोले सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल उड़ रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं। मतलब सभी अभी बोलते हैं हाँ हमें बोलना है, कहेंगे ये बोलना नहीं, जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे हैं, हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे मतलब हमें ऐसा फील, हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है चुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो नेपाल वहाँ पे आया, तो फिर टेलीकॉम को चुना। तो आप सेटिस्फाई हैं सर? 100% सेटिस्फाइड है, अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और आगे को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा सवाल आ सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, आगे चल के मेरा हो सकता तो मैं अच्छा सा एक स्कूल खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था की मैं हर एक फॉलो को फॉलो कर सकता। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं सब लगी इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज हमने फिर सुनी कल, हाँ सर कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं, नहीं, अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के सामने मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैंने और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सभी ने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है जिसका वो अंदर का ट्रैक, उसका सप्लाई ट्रेसिंग, उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amazon 1001 and 2845 Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.